आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं जैसा कि हमेशा किचन में होती हूँ तो अभी भी मैं किचन में ही हूँ। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो मैं सोची कुछ अच्छा सा बारिश के हिसाब से बनाना चाहिए। तो चलिए बने रहिए और हम दिखाते हैं क्या बनाएंगे। गाइस अभी मैं कढ़ाई एक ले ली हूँ और अभी कुछ मीठा मीठा सा बनाऊंगी। और कढ़ाई में डालूंगी घी। अब तो पता चल गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं वैसे। और ये थोड़ा सा ठंडा, वैसे ना घी हमारा जम गया है तो ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। ये मेल्ट करते हैं इसको। और ये हमारे थोड़े से ड्राई फ्रूट है, ज़्यादा नहीं है। और इसको हल्का सा करेंगे रोस्ट। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। ये देख सकते हैं हमारी किशमिश बोल के थोड़ी मोटी मोटी हो गई है और हो चुका है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी गैस का फ्लेम लो करके इसका फटाक से हम इसको बाहर करेंगे। अभी हमने निकाल लिया और इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं डालना है। तभी हमने इसमें सूजी डाल दिया और कोई मेजरमेंट से नहीं बनाया, हमने डाल दिया 1 कटोरी लगभग थी वजन से। ये 100 ग्राम है हमारी सूजी। तो 2 मिनट इसे हम करेंगे रोस्ट, ताकि हल्का सा रोस्ट होने के बाद इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इस वजह से ऐसे हरी अभी सूजी ना देख सकते हैं मेल्ट हो चुकी है। हमारा फ़ोन थोड़ा अच्छा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं होता है जो चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पर हमारी सूजी ना हल्की सी, मतलब गोल्डन हो चुकी है, बहुत हल्की सी और सुनहरा कलर। और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि घी से बन रहा है और ये भून भी चुकी है। तो इस तरीके से जब घर में सब कोई होते हैं ना, तभी कुछ बनाने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे चीनी। और चीनी तो हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना जिसको मीठा खाना हो उसके हिसाब से। और इस तरीके से और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। पानी में भी बनता है पर आज हम इसे दूध में बनाएंगे। दूध में भी काफ़ी अच्छा बनता है और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। ये तो जितना हो चुका है पर थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमारा थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको ना सूजी का हलवा सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मतलब गीला गीला ही अच्छा लगता है। सबको अपनी अपनी पसंद है, पर हमको तो थोड़ा इसमें गीला गीला ही अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा हमारा सूजी पकेगा तो सब पानी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। और हमारे जो ड्राई फ्रूट है ना, इसमें अब ऐड कर देंगे हम, ताकि इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी हमारा पानी ना काफ़ी हद तक सूख गया है, इसको 1 से 2 मिनट और ऐसे मिक्स करेंगे। एक हाथ से फ़ोन पकड़ के, एक हाथ कैमरा पकड़ो और एक हाथ से काम करो तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर क्या बोले, अभी हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है और थोड़ा सा इसमें घी और जाएगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, ताकि मैं अच्छे से मिक्स कर दूँ। और अभी हलवा बन गया तो अब निकालते हैं प्लेट में और देते हैं सबको, देखते हैं सबको कैसा लगता है हमारा ये हलवा। पर देख के ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बना होगा।
शुक्ला गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हम सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये हमारा निकल चुका है, अभी हमने सबके लिए निकाल लिया। और ये हमारा थोड़ा सा बाबू के लिए, क्योंकि बाबू खाता नहीं, अभी पूछूँ तो बोले दे ही दो, अभी मैं अकौड़ी पकौड़ी सब तो खा ही लेता हूँ जो कि खाता नहीं था। बाबू लो देखो, अच्छा ये ऐसे ही मत बुलाते, बोल दिया करो गरम है आराम से खाओ, हमको पता है तुम हलवा तो खाते नहीं हो, पता नहीं झूठ मूठ में ऐसे मत क्या करो, खाओ और पूछो बताओ आराम से। कैसा बना है? मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा लग रहा है तुमको। नया कैसा हुआ, क्या हुआ? तो मुँह में क्यों घुसा दिए? तुम्हारा यही हरकत है अजीब, हमको पता है गर्म नहीं है, कुछ और है। खा लो, टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना हुआ है। लड़का तो ऐसे ही है, कुछ बताता नहीं है, सूजी का अच्छा है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, खा के मजा आ गया, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। टैंक में से मैं क्या दूंगा रेडी में? तुमको बस पसंद नहीं है तो इसलिए बोल रहे हो। बाजू है गाइस, सच में बहुत टेस्टी हलवा बना है। अगर हमारी रेसिपी छोटी सी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।